स्टार्टिंग किससे था? सॉक्स 17,000 ओनली सॉक्स का दिख रहा है ना उसके अंदर लाखों का होगा भैंस की देखो क्या 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 है पता है अभी डुकाटी एंड वो क्या नाम था उसका हार्ले डेविडसन ये मैं बोल रहा था ये काफ़ी रिच इलाका है तो उधर भी वगैरह मतलब इस रूट पे मतलब चलते रहते कितना फॉरेन जैसा फील आ रहा है ना सभी बिजी अपने अपने काम से मतलब रह गए मैं ब्लॉग शूट का कोई देख भी नहीं रहा है गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल आ चुके एक और न्यू व्लॉग के साथ में होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे और बढ़िया रहोगे और बेसिकली आज मतलब इलेक्शन था ठीक है बैंगलोर में तो आज वीक ऑफ था एंड कोई शूट करने का मतलब थोड़ा सा व्लॉग बना दूँ ऐसा सोच रहा था तो दोस्त को कॉल करते करते इतना वेट कर लिया वो अभी जस्ट इलेक्शन से आया है मतलब उधर क्या मेम्बरशिप था ना हाँ मेम्बरशिप था भाई का तो अभी जस्ट कम्प्लीट करके आया अभी बज रहा है कितना 5:35 हो रहा है तो हम दोनों भी निकल रहे हैं क्या कंटेंट मिलता है देखते हैं बाहर जाके मिलता है मिलेगा नहीं तो जो शूट होगा वही डाल देंगे तो बेसिक सा कुछ मतलब क्रेजी सा ब्लॉग नहीं है मतलब कुछ प्लानिंग है नहीं ठीक है तो जो होगा वही ब्लॉग में ऐड करूँगा एंड लेट्स गो गाइस हम लोगों को एक मोटिव मिल गया है लाइक व्लॉग बनाने का व्लॉग शूट करने का तो हम लोग अभी जा रहे हैं इधर से लगभग अराउंड कितना मे बी 20-25 किलोमीटर होगा अराउंड इधर से यूबी सिटी बोल के तो बहुत ही कॉस्टली सिटी है लाइक अच्छा रिच पीपल उधर रह सकते हैं हम लोग इस तरह नहीं तो और एक चीज़ भाई का घर पर अभी आए थे लाइक वो कपड़ा वपड़ा चेंज करेगा देन हम लोग निकलेंगे एंड उसका दोस्त आया दोस्त को कॉल कर रहा है कि 2-3 आदमी होंगे तो अच्छा लगेगा जाने के लिए ऑब्वियसली यार दोनों ने तो बात करते करते मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ वो तो अकेला हो जाएगा तो हाँ तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक और चीज़ भाई कसम से बता रहा हूँ इन लोगों का रूट जो है ना रूट मतलब इन लोगों का जो एरिया है लेकिन इन लोग मोहल्ला बोलता है राइट ऑब्वियसली मोहल्ला बोलता होगा तो इतना पीसफुल प्लेस है ना साइलेंट कुछ भी नहीं ना कुत्ता ना कुत्ता एक होता है लेकिन इतना नहीं इतना पीसफुल प्लेस है ना वो चिड़िया वगैरह का ची ची चूचा आवाज़ आ रहा है इतना मस्त प्लेस है मैं जाने के टाइम में ब्लॉग शूट कर लूँगा आने के टाइम में मतलब वो वोट वगैरह चल रहा था ना लाइक जगह जगह में कैंपेन मैं क्या बोलते उसको कैंप बैठा के बैठा हुआ था तो व्लॉग शूट नहीं किया तो अभी जाने के टाइम में देखता हूँ अगर व्लॉग शूट होगा तो बहुत ही सही प्लेस है यार तो चलो भाई के रूम पे जाते हैं अंदर वो कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेगा मस्त निकलेंगे इधर से यूपी सिटी अराउंड 25 किलोमीटर होगा देन सब कुछ दिखाएंगे आप लोगों को और क्या सिटी आज तक मैं गया न्यू यूपी सिटी सुना मेरा भैया गया था एंड दोस्तों तीन गए थे तो मेरे को इनवाइट करते हैं बट क्या करें यार जा नहीं पाते क्योंकि पता है ना ड्यूटी टू रूम टू ड्यूटी ऐसे ही चलता रहता है आज छुट्टी था व्लॉग शूट कर लिया क्या करते हैं क्या नहीं दिखा देंगे ऑल राइट तो मिलते हैं भाई का घर ये अकेला रहता है अभी उसका मम्मी नहीं है मम्मी किधर गया बोले तो केरला गया तो मम्मी उसको केरला गया 10 डेज के लिए तो घर में अकेला उस दिन बारिश हो रहा था भयंकर वाला तो मैं इधर ही रह गया उस दिन रूम गया नहीं सैटरडे नहीं क्या था उस दिन संडे के दिन डीप क्लीनिंग करके हम लोग लाइक जहाँ हम लोग काम करते हैं काम मतलब जॉब वर्क करते हैं तो संडे के टाइम में हम लोग नहीं मतलब और भी हाउसकीपिंग वगैरह तो हम लोग चेक करना पड़ता था तो नाइट को 2 बजे निकल के अराउंड देन हम लोग इसके रूम में आ गए बारिश बहुत ही खतरनाक वाला हो रहा था मेरा पूरा कपड़ा वपड़ा भीग गया तो इधर ही रुके थे मैं रुका था मैं और इसके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ थोड़ा नॉइसी वॉइस आएगा लाइक वॉइस का क्लियर नहीं आएगा क्योंकि मैं माइक नहीं लगा के रखा हूँ एंड मस्त हवा का वाइप लेके चलते हैं एंड हेलमेट में भी लगा लिया हूँ क्योंकि पूरे शेक भी हो सकता है तो रिक्स नहीं लेने का कभी भी रिक्स नहीं लेने का तो भाई ने भी हेलमेट लगा के रखा है तो हम दोनों अभी जा रहे हैं क्या था यूपी सिटी थोड़ा दूर है अभी जल्दी निकल रहा है अभी 6 बज गया है शाम का माहौल है एंड सनसेट भी हो रहा है मस्त लग रहा है दिखने में व्यू काफ़ी सही लग रहा है दिखाऊंगा मैं सब किया हूँ डाल दूंगा एंड चलते हैं मस्त लग रहा है यार बेंगलोर में एक ही चीज़ बहुत दिमाग ख़राब करता है कभी टाइम पे पहुँचना हो ना टाइम पे नहीं पहुँचेंगे क्योंकि जब टाइम बहुत है आपके पास तब कुछ नहीं है पहुँच जाओगे मस्त एकदम टाइम में पहुँचोगे जब आपके पास टाइम नहीं रहेगा आपको तो जल्दी पहुँचना चाहिए देख लो ट्रैफिक देख लो दिमाग ख़राब हो जाता है पूरा
ट्रैफिक देख लो, अगर कितना कितना आवर्स टूट मुझे पता नहीं, देखते हैं फिर क्या होता है। ऊपर से मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है हेलमेट की वजह से। पास में ही है तो दिखाएंगे ज़रूर, अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि यार रूल रेगुलेशन होता है कुछ, तो बाहर से दिखाने का ट्राई करेंगे, अगर दिखता है तो मस्त है, नहीं दिखता है तो क्या ही कर सकते हैं। तो चलो, और रूट बहुत सही लग रहा है। चेक करें बॉयस इस मॉल, देखो क्या नाम था इस मॉल का, द यूपी सिटी। हाँ ये मॉल है उसका, लाइक लोगो, ये विजय माल्या का ही है। अंदर जाके देख सकते हैं, ट्राई करते हैं बॉयस। ये विजय माल्या का घर, ओ भाई, और ये यूपी सिटी। अब गाड़ी पार्क कर दिया क्योंकि इस इलाके थोड़ा में प्रॉब्लम है गाड़ी का पार्क करने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, और मेरा बाल, मेरा बालों को थोड़ा इग्नोर करो, बहुत ही वो हो गया है मैगी। तो इधर थोड़ा उधर मिल गया था हम लोगों का नेपाली आदमी मिल गया था, उसको बोला सिक्योरिटी के काम कर रहा था, बोला थोड़ा देर बाइक पार्क कर लेता हूँ, थोड़ा देर बस 10-15 मिनट क्या मतलब ब्लॉग शूट कर रहे हैं, फिर मॉल घूम के आते हैं, ऐसा ऐसा बोला उसको। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रख लो, ठीक है, हाँ थैंक यू बोला उसको। फिर हाँ विजय माल्या का घर इधर से दिखाता हूँ, क्या पता रूल है कि नहीं, मतलब शूट करने देंगे कि नहीं, थोड़ा इधर से दिखाता हूँ मैं। वो रहा विजय माल्या का घर, ऐसे ऐसा रूट है ना, सही में फॉरेन में आ गया जैसा लग रहा है, अभी इधर फॉरेनर भी मिल गया। व्यू देखो एकदम फॉरेन जैसा लग रहा है कसम से, थोड़ा कैमरा क्वालिटी खास नहीं है, नाइट का व्यू टाइम है ना, ऑफ कोर्स यार। ये देखो चिलिंग प्लेस, सभी चिल कर रहे हैं एकदम मस्त, इधर कैमरा का क्वालिटी अच्छा तो मस्त लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखो बस काफ़ी अंधेरा हो चुका है ना इधर, नाइट हो गया, फिर भी इतना कैप्चर कर रहे हैं बहुत है मेरे लिए। विजय माल्या का घर वो रहा बीच वाला ऊपर, बोल रहे थे ना चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, उधर तक नहीं जा पाए, लेकिन ये देखो वही दो लाइट है, ये एक और ये एक लाइट है चिन्ना स्वामी स्टेडियम। कभी जाएंगे तो एकदम मतलब मस्त दिखाएंगे, उसके रिलेटेड वीडियो बनाने के जाएंगे, अभी तो सब कुछ डेटा इंक्लूड नहीं कर पाए रहे क्योंकि लेट हो रहा है हम लोगों को भी, लेकिन बहुत सही है, ओनली फॉरेनर्स के लिए, हम लोग औकात के बाहर है। और इधर वो किसका प्राइस सबसे ज़्यादा था, मतलब स्टार्टिंग किससे था, सॉक्स 17,000 ओनली सॉक्स का, तो 17,000 में आई गेस हम लोगों का 2 महीना आराम से चल जाएगा, 2 महीना हाँ ऐसे चल जाएगा आराम से, 17,000 ओनली एक सॉक्स का, भैंस का दिख रहा है ना उसके अंदर लाखों का होगा भैंस की, देखो भैंस का वो बैग बाहर ही किला झुंडा के रखा है। चलो स्ट्रीट फूड हम लोगों को बुला रहा है, इधर खाने का औकात नहीं हम लोगों का, कुछ खाएंगे मिस मस्त निकल जाएंगे इधर से, क्योंकि हम लोगों का इधर खाने का औकात क्या 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 है पता है, अभी डुकाटी एंड वो क्या नाम था उसका हार्ले डेविडसन इसकी। चलो हम भी कुछ खाते हैं मस्त एकदम, फिर स्ट्रीट फूड ही कुछ खाना पड़ेगा या फिर होटल में जाते हैं रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा सा, मतलब हमारे औकात के हिसाब से रेस्टोरेंट एक चूज़ करेंगे फिर खाएंगे, इधर तो औकात नहीं है। सुन लिए ना एक सॉक्स का प्राइस ही है 17,000। चलो हम लोग भी निकलते हैं फटाफट एंड कुछ खाते फिरते हैं मस्त निकलते हैं, हम लोगों का दिन अस्त वैसे भी अच्छा ही है, नॉट गुड नॉट बैड। ऐसे मैं बोल रहा था ये काफ़ी रिच इलाका है, तो उधर BMW का शोरूम भी दिखा, वहाँ कसम क्या क्या गाड़ी था वे पोर्स, फिर ऐसा ऐसा, फिर और दिखाई था ना बाइक वगैरह कसम से यार, क्या ही बाइक वगैरह था, लिटरली हार्ले डेविडसन का हो गया, डुकाटी का हो गया, BMW सेक्सी लग रहा था, ऐसा लग रहा है फॉरेन में लिटरली आके मैं विजिट किया हूँ अभी। देखो
नाइट का व्यू। हाँ चर्च स्ट्रीट। ओके ये देखो चर्च स्ट्रीट है ना, क्या ही लग रहा है यार, एकदम सुकून फील लग रहा है इधर। देखता हूँ लग रहा है मेरा बाल बहुत ही गंदा हो रखा है सही में। चलो कुछ सही प्लेस यार। दिस व्यू गाइस सभी बिजी अपने अपने काम से मतलब रखे, मैं व्लॉग शूट का कोई देख भी नहीं रहा है। ऐसा होना चाहिए, नहीं तो दूसरी जगह में जब मैं व्लॉग शूट करें ना देखते हैं आदमी नहीं दिखाई जैसा। कैसा लग रहा है फॉरेन में एंट्री कर लिया जैसा लग रहा है ना। रूड है भाई, कितना मतलब इतना छोटा सा रूड है ना, इतना सही है ना, बहुत बिजी रूट है आदमी मतलब बस घूमने के लिए आते हैं सैटरडे नाइट को इधर नहीं। इस रूट पे भाई बोल रहा था लैम्बोर्गिनी हो गया, फिर क्या क्या था रे भाई, लैम्बोर्गिनी हो गया, बेंज का सुपर कार, बहुत सारे BMW वगैरह मतलब इस रूट पे मतलब चलते रहते, कितना फॉरेन जैसा फील आ रहा है। एक एक गाड़ी देखने को मिलेगा यार सच्ची बता रहा हूँ, और किधर जा रहे हैं हम लोग वो भी पता नहीं, बस चल रहे हैं, इतना मस्त लग रहा है फर्स्ट टाइम चल के भी। यूलू भी बुक कर सकते हैं अभी फटाक से, इधर से ले लो मस्त, गर्लफ्रेंडों को लेके जाओ घुमाओ। फाइनली हम लोग खाना आ गया, रोहित खा रहे मस्त, खा लेते हैं, क्राउड देख लो गाइस पूरा क्राउड ही क्राउड है आज तो। ऑलराइट गाइस हम लोगों ने मस्त खाना पीना हो गया हम लोगों का, हम दोनों का एक्चुअली, हम लोग अभी निकल रहे हैं इधर से, नाइट बहुत हो गया है अभी, हम लोग निकले किधर ना 6 बजे आई थिंक, हाँ 6 बजे निकले ना, 9 बज गया, 3 आवर्स हम लोगों ने घूमा भी, हम मस्त देखा क्या क्या है, तो अभी रूम जा रहे हैं। वैसे भी कल मॉर्निंग शिफ्ट नहीं, मेरा इवनिंग शिफ्ट है, इसका मॉर्निंग शिफ्ट है, तो सो जल्दी निकलना पड़ेगा इधर से, एंड अराउंड 1 आवर्स में हम लोग उधर पहुँच जाएंगे अंदर। ठीक है मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ में, होप करते सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहो, टेक केयर, बाय बाय गाइस।